हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डे पे ये शेयर आपका हाई गया था 434.5, जो अभी तक मतलब अभी जो इसका प्राइस चल रहा है लगभग हाई पे ही चल रहा है। और आज के डेट पे ये शेयर आपका लो गया था 404.15। आज के डेट पे इस शेयर ने रिटर्न दिया लगभग 6% का और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है लगभग 434-35 इसी रेंज पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹16,965.34 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹16,090.04 करोड़ एंड पीई रेशियो है 10.31। इस कंपनी के ऊपर आज के डे पे किसी भी तरीके का कुछ भी आपका डेप्थ नहीं है। ये कंपनी एकदम ही आपका डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक आपका अच्छा बात है। एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹875.30 करोड़ और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.18। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹41.74, रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.19% एंड ROCE है 31.13%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी में लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 10.83%। ये जो कंपनी है सन टीवी नेटवर्क, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 75%, पब्लिक का होल्डिंग है 11.61%, FII का होल्डिंग है 9.21% एंड DII का होल्डिंग है 4.18%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 75% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 71% एनालिस्ट इस शेयर को इन्वेस्टर को बाई सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका बहुत दिनों से आपका गिर रहा था, गिरते गिरते जब भी इसी जगह पे आया यहाँ पे एक बॉटम बनाया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर से देखिए जब भी नीचे गिरा मतलब इसी रेंज पे जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट जोन है पहले का, इसी लाइन पे आने के बाद लगभग यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आज के डे पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। एनसी कैंडल में सुपर टेन ने यहाँ पे बाय सिग्नल भी दिया है। आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए, आरएसआई भी देखिए अपटेन हो चुका है। और अगर एमएसडी की बात करेंगे तो एमएसडी अभी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर ही, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए मैंने एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया, जो कि इस शेयर का एक सपोर्ट लाइन है। कैसे देखिए, जब भी इस शेयर ने इस लाइन को क्रॉस किया था, ये शेयर आपको ऊपर की तरफ भागा था, फिर से जब भी नीचे गिरा इसी जगह पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लाइन को तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भागा, फिर से अभी देखिए शेयर के जब भी गिरा इसी लाइन के नजदीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ भागा, फिर से देखिए अभी इसी लाइन के नजदीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया और अभी यहाँ से सपोर्ट लेते हुए शेयर आपका ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डेली चार्ट में देख लिया, मतलब वीकली चार्ट में भी सपोर्ट जोन पे भी यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करंट प्राइस है लगभग आपका ₹431.32, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 4-5 महीने का भी है, तो मुझे जो लगता है कि आने वाले 4-5 महीने के अंदर ये शेयर आपका 520 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे
किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।